प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। लालू जी जब पहली बार अध्यक्ष बने थे तो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। उसके बाद वो 73 वाले चुनाव में हार गए। वो पहली बार हम लोगों ने देखा था बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो कम्बिनेशन होता है। हाँ, सुशील मोदी आए जनरल सेक्रेटरी, उनके अभी जो केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी खुद दावा करते हैं कि मैंने ही उसको लड़वाया था। तो लालू जी ने वहाँ घोषणा की कि मैं जब अध्यक्ष बनूंगा तो हर एक खिलाड़ी को एक एक बॉर्नविटा का डब्बा फ्री में, नल की ऊंचाई इतनी कर दूंगा कि हमारी जो छात्राएं हैं छाती तान के पानी पी सके। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम आज चर्चा करेंगे लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई अनसुनी कहानियों से। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट लव कुमार मिश्रा, जो काफ़ी करीब से लालू प्रसाद यादव को जानते हैं और उनके छात्र राजनीति से लेकर अभी तक हर चीज़ पर इनसे हम क्रमवार बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लालू प्रसाद यादव छात्र राजनीति में किस प्रकार थे, क्या उस समय भी इस तरह की भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करते थे, उनका स्वभाव अभी जैसा है बजकिया और इस टाइप से वो उस वक्त था कि नहीं। दूसरा कि छात्र राजनीति जब वो करते थे, पटना यूनिवर्सिटी यूनियन में पढ़ते थे या पटना यूनिवर्सिटी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हुए, तो किस तरह से वहाँ माहौल बना, कैसे चुनाव जीते, इन सारी बिंदुओं पर हम चर्चा करें। सर स्वागत है आपका प्रभात खबर में। सर, लालू प्रसाद यादव को काफी करीब से आप जानते हैं और काफी करीब से रिपोर्टिंग करने का आपको अवसर मिला है, तो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई वो कहानी जो आप अपने दर्शक को अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, उसमें लालू प्रसाद यादव सबसे पहली चीज जो हम जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव छात्र जीवन में भी इसी तरह से थे। वो 1970 में पहली बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष महासचिव बने। और उस वक्त अध्यक्ष बने थे पटना मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद। अगले साल वो चुनाव हार गए, उनको हराया था डॉक्टर रामजतन सिन्हा ने, जो बाद में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। रामजतन सिन्हा के बाद ये फिर दोबारा चुनाव लड़े अगले साल, तब ये अध्यक्ष बने। ये समाजवादी युवजन सभा के कैंडिडेट थे और उनका विद्यार्थी परिषद के साथ अलायंस था। लालू प्रसाद के समाजवादी युवजन सभा का शिवानंद तिवारी खुद दावा करते हैं कि मैंने ही उसको लड़वाया था। उस वक्त वो BN लॉ कॉलेज में थे और जब महासचिव बने थे तो BN कॉलेज के स्टूडेंट थे वो। इस बीच में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में भी एडमिशन लिया, खाली चुनाव लड़ने के ख्याल से उनका था वो। अच्छा। 9 साल तक शायद पढ़ाई करते रहे वो। अच्छा। तो 1973 के चुनाव में जो यूनियन का हुआ वो, तो समाजवादी युवजन सभा और BJP का अलायंस हुआ। जो गठबंधन होता था उनका अलायंस का पॉलिटिक्स उसी वक्त से छात्र जीवन से चालू हुआ। और पहली बार हम लोगों ने देखा था बैकवर्ड फॉरवर्ड का जो कम्बिनेशन होता है वो देखा। तो सुशील हाँ सुशील मोदी आए थे जनरल सेक्रेटरी, उनके अभी जो केंद्रीय मंत्री थे रविशंकर प्रसाद, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे। अच्छा। हाँ, और आज के जो बड़े नेता हैं किसान नेता हो गए नरेंद्र सिंह, लालू जी जब पहली बार अध्यक्ष बने थे तो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। अच्छा। उसके बाद वो 73 वाले चुनाव में हार गए वो। उस वक्त बहुत बड़े बड़े लोग लड़े थे, कुमुद रंजन झा भी लड़े थे, अभी श्याम सुंदर धीरज जो हैं उनको एक ही वोट मिला था, वो NSUI के कैंडिडेट। अच्छा। और उस वक्त जो चुनाव होता था रियली वो लगता है असेंबली इलेक्शन होता था, बहुत ही कलरफुल वो हैंडबिल्स पोस्टर्स ये सब बनता था। और आज के लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि छात्र संघ के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, राज नारायण भी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस आते थे हॉस्टल्स में कैंपेनिंग करने आते थे। आजकल के लोगों को नहीं पता होगा, क्लास भी रेगुलर होता था। इसी बीच में अगर कोई कैंडिडेट आ गया कि हमको भाषण देना है, लोगों को मान ली 100 लड़के और लड़कियाँ पढ़ रही हैं, तो टीचर अलाउ करते थे कि हाँ 2 मिनट में आप बोल दीजिए वो। उसी सिलसिले में लालू जी मगध महिला कॉलेज भी गए अपना प्रचार करने के लिए। पता नहीं आप कभी मगध महिला कॉलेज गए हैं कि नहीं, अब तो स्थिति नहीं है, पहले जब वो आज से 50 साल पुरानी बात हो गई, तो वहाँ का जो टैप था पानी पीने का काफ़ी नीचा होता था,
हम लोगों ने देखा है, तो लड़कियां झुक के पानी पी रही थी वो, तो लालू जी गए अपना, उनको भी 2 मिनट का भाषण करने का मौका, प्रिंसिपल शायद रमोला नंदी होंगे हमको जहाँ तक याद है, उन्होंने बोला कि मेरा जो मैनिफेस्टो रहेगा, मैनिफेस्टो तो नाम तो दिए नहीं मैंने, हम घोषणा करते हैं कि जब मैं अध्यक्ष बन जाऊँगा तो नल की ऊंचाई इतनी कर दूंगा कि हमारी जो छात्राएं छाती तान के पानी पी सके। ये महिला कॉलेज को आप बता रहे थे उनका करेक्टर ह्यूमर वाला, तो ह्यूमर वाला शुरू से था वो। फिर गए इंजीनियरिंग कॉलेज, उस वक्त पटना यूनिवर्सिटी की क्रिकेट की टीम यादवपुर यूनिवर्सिटी से हार गई थी। पहले अच्छा फुटबॉल भी होता था पटना यूनिवर्सिटी में, क्रिकेट भी होता था, रणधीर वर्मा जो SP था वो भी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। हार गई तो लालू जी ने वहाँ घोषणा की कि मैं जब अध्यक्ष बनूंगा तो हर एक खिलाड़ी को एक एक बॉर्नविटा का डब्बा फ्री में दूंगा। तो इस तरह का उनका घोषणा पत्र होता था। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।